चलते हैं आपको सचिवालय, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंच गए हैं। आज समीक्षा बैठक लेने वाले हैं सीएम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ गए हैं। विवेक, सीएम भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंच चुके हैं, आज समीक्षा बैठक लेने वाले हैं, पुलिस अधिकारियों से भी मिलने की सूचना है, कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब सचिवालय पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री सचिवालय में वो अहम बैठक करेंगे। पुलिस अधिकारी जो है वो कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंच चुके थे। डीजी और एडीजी रैंक के तमाम पुलिस अधिकारी जो है वो पुलिस मुख्यालय से यहाँ पर पहुंचे थे। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज मुख्यमंत्री पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और उसके बाद दोपहर 12:30 बजे ऑल इंडिया डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस राजधानी जयपुर में होगी। 5 से 7 जनवरी के बीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन जयपुर के जालाना स्थित आरआई सेंटर में होगा। इस कॉन्फ्रेंस को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। हालांकि मुख्य सचिव उषा शर्मा इससे पहले तैयारियों को लेकर समीक्षा कर चुकी है। पुलिस मुख्यालय की ओर से इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन को लेकर 17 IPS अधिकारियों एक कमेटी गठित की है जो तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल के साथ ही राज्यों के तमाम पुलिस प्रमुख और केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रमुख जो है वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 3 दिनों तक आपसी सूचनाओं का आदान प्रदान करने, सूचनाओं को साझा करते हुए अपराधों पर लगाम कसने के लिए एक दूसरे से परस्पर सहयोग लेने और लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही कई नवाचारों को लेकर भी चर्चा होगी। किस तरह से तकनीकी सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल जो है वो अपराधों की रोकथाम में सूचनाओं को साझा करने में किया जा सकता है, इन तमाम मसलों को लेकर के चर्चा होगी। फिलहाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे हैं और अब वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वो कुछ देर में जो है वो चर्चा शुरू करेंगे। प्रदेश में चुनाव से पहले भाजपा की ओर से अपराधों की रोकथाम को लेकर मुद्दा उठाया गया था, पूर्व सरकार पर सवाल उठाए गए थे। तो ऐसे में बेपटरी हुई कानून व्यवस्था को किस तरह से सुधारा जा सकता है, किस तरह से अपराधों पर लगाम कसी जा सकती है, साथ ही पुलिस किस तरह से जन सहभागिता कर सकती है, क्योंकि जनता का विश्वास जो है वो किस तरह से हासिल किया जाए कि अपराधों की रोकथाम की जा सके, इसको लेकर के जरूरी जो है चर्चा यहाँ पर समीक्षा की जाएगी। आवश्यक दिशा निर्देश जो है वो मुख्यमंत्री जारी करने वाले। जानकारी के लिए धन्यवाद।